हम लखनऊ में कॉलविन तालुकदार कॉलेज से हमारी अर्ली एजुकेशन रही, उसके बाद हमने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया था, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से हमने लॉ किया था। तो कॉलेज एजुकेशन कॉलविन में भी बहुत अच्छी रही। इन मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी इन्जॉयबल हमारा जो है स्कूल एजुकेशन थी, और गोइंग टू दिल्ली एक नया एक्सपोजर हम लोग को मिला जो है सेंट स्टीफेंस में। एक जिस एरा में हम लोग गए थे उस एरा में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल जो है लखनऊ से बहुत अलग था, और जब लॉ हमने किया तो लॉ का भी उस समय का बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में जो है कैंपस लॉ सेंटर ही हुआ करता था। तो लकली आई गॉट द एडमिशन देयर। उस समय पहली बार एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका जो है, उसके पहले कैंपस लॉ सेंटर में कभी भी एंट्रेंस नहीं होता था। तो मोर और लेस हमारे टीचर्स से, चाहे सेंट स्टीफेंस में रहे हों, चाहे लॉ में रहे हों, चाहे स्कूल में रहे हों, हमको हमेशा जो है टीचर्स का बड़ा कोऑपरेशन मिला। सब लोगों ने हमको हमेशा पुश किया, एंड गॉड विलिंग जो है कहीं पर हमको कहीं कोई दिक्कत आई नहीं। जब हमने लॉ कंप्लीट किया उसके बाद हम लखनऊ बेंच में हम प्रैक्टिस करने लगे। फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स जो है आई वॉज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर इन लखनऊ जो है। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट में एडवोकेट्स हो गए, कमीशंस और कॉरपोरेशंस मिल गए, तो वो भी हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे जो है। बीइंग एज अ लॉयर आई रियली लाइक द प्रोफेशन, क्योंकि एक नया चैलेंज है हर दिन जो है। और उसके बाद 2004 में जब मेरे फादर जब इलेक्ट हुए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद जो है मतलब एक कहिए कि सडन इवेंट का टर्न अराउंड था जो कि हम आए। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आई वुड कम, एंड आई वुड कम सो अर्ली इन लाइफ। कभी आई वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी अ पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिक्स की तरफ मेरा कोई रुझान उस समय तक नहीं था, लेकिन सडन टर्न ऑफ इवेंट्स की वजह से पार्टी ने हमको डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेट। उसके बाद एक तरीके से कहिए कि आई वॉज पॉलिटिक्स वॉज थ्रस्ट अपॉन मी। मुझे एक तरीके से पॉलिटिक्स जो है मैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आ गए तो उसका एक अलग चार्म है, क्योंकि मैं एमएलए हुआ, उसके सब्सिक्वेंटली एक साल के बाद मैं कैबिनेट मिनिस्टर हो गया मुलायम सिंह यादव जी की कैबिनेट में, और जो मुझे दिया गया जो है विभाग वो भी एनवायरनमेंट था, पर्यावरण। वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा चैलेंजिंग जॉब उस समय भी मेरे लिए जो है दिया गया था। और पहली बार मैंने उस समय जो है 2005 की बात मैं बतलाऊँ कि मैंने सीएनजी को इंट्रोड्यूस किया था लखनऊ कानपुर आगरा इन शहरों में जो है, नहीं तो उससे पहले सीएनजी जो है पूरे यूपी में कहीं पर भी नहीं थी। तो हम बेसिकली हम तो इलाहाबाद को भी चाहते थे सीएनजी के लिए, लेकिन समहाउ उस समय हमारे पास सीएनजी अवेलेबल नहीं थी इलाहाबाद के लिए। तो लेकिन हम इलाहाबाद को भी चाहते थे कि सीएनजी यहाँ पर भी आ जाए, क्योंकि एक मोड, क्योंकि अल्टीमेटली अगर क्लीनर एटमोसफेयर की तरफ जाएँ, क्लीन एनवायरमेंट की तरफ जाएँ, तो सीएनजी इज़ अ मस्ट टुडे। देखिए जब मैं पहली बार जीता और उसके बाद दो बार, एक बार 340, एक बार 404 वोट से मैंने जीत पाया, तो कहीं ना कहीं कुछ सेट नहीं है यहाँ। यहाँ हर 5 साल में आपको एक इम्तिहान जनता के बीच देना है। अगर आप किसी आईएएस की परीक्षा पास कर लें तो 35 साल के लिए आप सेट हो गए। अगर आप कुछ भी और काम करें तो 30-35 साल की आपकी ज़िंदगी सेट हो जाती है। लेकिन एक राजनीति एक ऐसा, मैं सेवा कहिए कि हर 5 साल में आपको जनता के बीच जाके इम्तिहान देना है, और आप ये नहीं जानते कि क्या परिस्थिति बनेगी और उस इम्तिहान का नतीजा क्या आएगा, क्योंकि ये इसको हम लोग कहते हैं मिस्ट्री ऑफ बैलेट बॉक्स। जब पिटारा खुलता है तभी पता चलता है कि जनादेश किधर गया। और मैं एक नेता की ज़िंदगी आसान ज़िंदगी नहीं मानता हूँ। इसका कारण यह है कि 24 घंटा आपको पब्लिक के लिए रहना है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, और लोगों की जितनी परेशानियां हैं उसको दूर करना है। तो ये एक आसान काम नहीं है, इट इज़ अ चैलेंज बेसिकली जो है। और मुझे लगता ये है कि नेता लोगों के जहन में ज़रूर होगा कि नेता की ज़िंदगी गाड़ी बंगला आगे पीछे लोग, लेकिन उसकी पारिवारिक ज़िंदगी
हमेशा जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नेता दिन भर पब्लिक में रहता है तो जो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है। तो एक तरीके से आप परिवार से दूर हैं और आप जनता की सेवक के रूप में हैं, दिन रात आपको जनता को ही अपना समय देना है। तो कहीं ना कहीं वो दूरियां एक पारिवारिक एक जो आप फैमिली लाइफ कहें तो उससे दूरी काफ़ी हो जाती है एक आम नेता की जिंदगी, और उसकी अपनी दुश्वारियां हैं नेता बनने की। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं चाहता ज़रूर हूँ कि हमारी जो नया यूथ है वो पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि पॉलिटिक्स में आज ज़रूरत है साफ सुथरे पढ़े लिखे लोगों की। क्योंकि अगर आप देखें जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड था प्री इंडिपेंडेंस, तो बहुत सारे लॉयर्स आए, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है पॉलिटिक्स में आए, जिन्होंने इस नेशन को आज़ादी दिलाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट मे बी 70s के बाद वो ट्रेंड बदला, लोग नौकरियों में जाना पसंद करने लगे, लोग दूसरे प्रोफेशन की तरफ जाना पसंद करने लगे, अच्छे लोगों ने पॉलिटिक्स से विमुख होते चले गए। तो आज मैं जो कहूँ कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स में हैं ये इसी का नतीजा है, क्योंकि अच्छे लोग दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर अच्छे लोग आएंगे पॉलिटिक्स में तो मुझे लगता है कि बेहतर लीडरशिप, क्वालिटी लीडरशिप जिसको कहते हैं, वो हम दे सकें। देखिए कुछ हद तक बात सही है, इस वजह से सही है क्योंकि पिछले 30 सालों में इलाहाबाद को जो ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वो ओपनिंग हम नहीं दे पाए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर उद्योग नहीं लगेंगे, अगर नई इंडस्ट्री नहीं आएगी तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी। आज इलाहाबाद में तीन चीज़ की डिमांड है, एक तो इलाहाबाद का अपना सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है जो कि आज बेसिक रिक्वायरमेंट है कनेक्टिविटी आपके शहर के नेचर को बदलने के लिए। आज दिल्ली बंबई से आदमी आना चाहता है तो सवेरे आना चाहता है, शाम को निकलना चाहता है कोई। तो इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि इलाहाबाद में एक आईटी पार्क जैसी चीज़ होनी चाहिए, लोग पुणे बैंगलोर या बाकी जगहों पर क्यों जाते हैं, अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 30 सालों में अगर थोड़ा जो है बेहतर काम इसमें हुआ होता इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ आईटी पार्क, इन टर्म्स ऑफ द एयरपोर्ट, तो मुझे लगता है कि जो इलाहाबाद से जो एक्सोडस है वो रुका होता। देखिए आपको अपॉर्चुनिटी यूथ को देनी पड़ेगी, अगर आप नहीं दे पाओगे तो जहां मिलेगी दुनिया में आदमी वहां जाएगा। अब इट इज़ अ ग्लोबल विलेज, एक इंडिया में ही नहीं, आप इंडिया की बात न करिए, आज आदमी कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दुनिया में वहां जाने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि इलाहाबाद इस दौड़ में कुछ पीछे छूट गया, लेकिन आई एम होपफुल क्योंकि इधर 5 सालों में हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है, एक सरस्वती हाईटेक सिटी लाए हैं जहां पर हम एक आईटी पार्क भी ला रहे हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल भी ला रहे हैं, एक तरीके से कहिए तो काफ़ी जगह हमको वहां पर जो मिल गई 1200 एकड़, एक नई यूनिवर्सिटी भी ला रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका मॉडल हमने रखा है। कोई कुछ चीज़ को हम रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन मॉडल हमने हार्वर्ड जैसा रखा है कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि इलाहाबाद में जब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई समहाउ जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं कर पाए हम लोग, जो उस लेवल पर हमको जाना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पुराना इतिहास तो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान और भविष्य बेहतर हो ये बहुत ज़रूरी है, उसमें कहीं ना कहीं वी आर लैगिंग बिहाइंड। और जो कंट्री के टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इलाहाबाद कहीं नहीं आता है। इलाहाबाद में जबकि IIIT है, इलाहाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद में राष्ट्रीय पुरुषोत्तम यूनिवर्सिटी है, समहाउ इलाहाबाद इस दौड़ में पीछे होता चला गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हम इलाहाबाद को एक बेटर कंट्री में, अगर जो है 650 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उसमें इलाहाबाद की पोजीशन बेहतर बनाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड ओवर जहां पर भी एक डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट है वहां पर पोल्यूशन का लेवल कम है।
दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि जितना भी हमारा सीवेज है सब हमारी नदियों में गिर रहा है, चाहे वो गंगा हो चाहे जमुना हो। इसके लिए प्लान तो बहुत चले लेकिन प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट के लेवल का इनिशिएटिव, दूसरा एक पब्लिक इंटरफेस भी बहुत ज़रूरी है कि जब तक लोगों का कोऑपरेशन नहीं होगा, जब तक लोग भी आगे निकल कर नहीं आएंगे। इन द सेंस मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग अपने मोहल्ले में सफाई का खुद अपने हाथ में लें, तब उस जाकर जो है हम सफाई भी कर सकेंगे, इलाहाबाद को क्लीन और ग्रीन इलाहाबाद भी बना सकेंगे। और दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या इलाहाबाद की है कि जो मैंने कहा कि इलाहाबाद में एक आर्मी लैंड, एक रेलवे लैंड और तीसरा इलाहाबाद ज्योग्राफिकली जो नदियों के अंदर बसा हुआ है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक हमारी आउटर रिंग रोड बने जो इलाहाबाद शहर का थोड़ा विस्तार हो सके, एक्सपेंशन हो सके। जब तक इलाहाबाद शहर को आप एक्सपैंड नहीं करोगे तो ये सिमट कर रह गया है, ये शहर सिमट कर रह गया है। और पिछले जब से इलाहाबाद बसा होगा, इलाहाबाद की जो प्लानिंग थी, मुझे तो नहीं लगता कि चंडीगढ़ के बाद कोई इतनी बेहतर प्लानिंग वाला कोई शहर जो है। सारी रोड्स आपकी परपेंडिकुलर उसमें हैं, कहीं से भी इतनी चौड़ी चौड़ी रोड हैं कि आफ्टर 100 ईयर्स भी उस रोड पर अगर आप निकल जाइए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन समहाउ लेटर ऑन इन इलाहाबाद के डेवलपमेंट में हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। और इलाहाबाद में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बिल्डिंग एक पर्टिकुलर जोन्स में आ रही सिविल लाइन्स के आसपास, अगर इसको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो आने वाले दिनों में बंगले सब खत्म हो गए। बंगले ख़त्म हो जाने के बाद मल्टी स्टोरीड आ रहे हैं। एक हमको जो मेरा एक पर्सनल सजेशन था कि एक उसमें सर्टेन हाइट का रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होना चाहिए। एक इलाहाबाद का जो एक इथॉस कह लें, उस इथॉस को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया जो है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए इनिशिएटिव पब्लिक से भी आए, इलाहाबाद में हाईकोर्ट भी है, इलाहाबाद में गवर्नमेंट के भी सीट रही है पहले, समहाउ सबका इनिशिएटिव रहेगा तो इलाहाबाद को हम लोग बेहतर जगह बना सकेंगे। क्योंकि विगत पहले इलाहाबाद एक रिटायर्ड लोगों की जगह माना जाता था कि लोग रिटायरमेंट के बाद आते थे, रहते थे, पीसफुल ज़िंदगी की लिए इलाहाबाद की पहचान थी। लेकिन इधर 10 सालों में वो रिटायर्ड ज़िंदगी से निकलने की या उबरने की कोशिश में इलाहाबाद है, लेकिन अभी इलाहाबाद को वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जिस मुकाम की तलाश इलाहाबाद को है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग अगर एफर्ट करेंगे, देखिए एक एंटरप्राइज बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल लेवल पर भी। गवर्नमेंट कैन ओनली बी अ फैसिलिटेटर, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं लोगों को अपनी एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है, चाहे वो पॉल्यूशन का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो। लेकिन मुझे उम्मीद है, आई एम पॉजिटिव अबाउट इट, कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन या 5 ईयर्स डाउन द लाइन व्हेन वी विल मीट, इलाहाबाद वुड बी अ बेटर प्लेस, एक अच्छी जगह होगी रहने की। मेरी तो एक ही जो है चैनल और सबके लिए एक ही संदेश है कि इलाहाबाद शहर को एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए सब लोग, आप लोगों का भी सहयोग, मीडिया का भी सहयोग, जितने यहाँ के विजिलेंट सिटीजन्स हैं उनका भी सहयोग कि इलाहाबाद को एक बेहतर शहर। इलाहाबाद का एक गौरव और एक इतिहास था, लेकिन हम ना गौरव की तरफ देख रहे हैं ना इतिहास की तरफ देख रहे हैं। तो हम सबसे यही कहेंगे कि इलाहाबाद को एक बेहतर शहर बनाने के लिए वी शुड डेडिकेट आर सेल्फ। और आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि जो खबरें हों उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि एक एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव खबर का, लोग कहते हैं कि नेगेटिव ही खबर बनती है, लेकिन मेरी सोच दूसरी है। मेरी सोच ये है कि जो चीज़ पॉजिटिव में, जो चीज़ अच्छी हो रही है, अगर आप दिखाएंगे तो एक मन में लोगों के भाव पैदा होगा कि नहीं, आगे का भविष्य बेहतर है। अगर सब खराब खराब चीज़ लोग देखते हैं तो उनके मन में नेगेटिविटी आती है। तो मैं तो चाहूँगा चैनल के और सब लोगों से कि इलाहाबाद शहर की कुछ अच्छाइयों को हम हाईलाइट करें, क्योंकि इलाहाबाद शहर कोई एक मामूली शहर नहीं है।
अलाहाबाद शहर ने आज़ादी में जो एक तरीके से कहिए रोल जो अदा किया और हिंदुस्तान की आज़ादी में इतना लीड रोल अलाहाबाद का था, लेकिन समहाउ आफ्टर द इंडिपेंडेंट हम लोग कहीं ना कहीं डिक्लाइन पर थे। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये टाइम आया है कि अगर सब लोग मिलकर जो है अलाहाबाद शहर को बेहतर बनाएंगे तो होपफुली जो है इन टाइम्स टू कम अलाहाबाद जैसे आप पुणे और बेंगलोर कह रहे हैं उससे भी आगे हमारी ले जाने की सोच है कि अलाहाबाद को उससे भी आगे हम ले जाएं। बस यूथ से इतना ही कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव एक साफ सुथरा एक बेहतर चेहरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। तो यूथ के लिए मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये है कि अखिलेश यादव को फिर दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए और मुझे लगता है कि यूथ के सपोर्ट से ही अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज जितने भी लोग हैं उनके सामने आफ्टर कंपेयरिंग मैं तो कहता हूं कि उसकी तुलना कर ली जाए बीजेपी का आज भी कोई चेहरा चीफ मिनिस्टर का सामने नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक चेहरा है और एक चेहरा हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का है। तो यूथ को मैं कहूँगा क्योंकि अगर आप चेंज चाहते हो अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हो अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो एकमात्र नाम जो आज पॉलिटिकल होराइजन में यूपी में दिखाई दे रहा है वो अखिलेश यादव का है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा टू चेंज द पॉलिटिक्स आप अखिलेश यादव को सपोर्ट करिए समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करिए क्योंकि तभी बदलाव आ सकता है। इस बदलाव के लिए हम चाहते हैं क्योंकि हमेशा 89 के बाद एक तरीके से पॉलिटिक्स को समझिए कि पॉलिटिक्स हर बार गवर्नमेंट चेंज होती रही। ये पहला मौका होगा। अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ वहाँ पर भी चेंज होती थी लेकिन जयललिता को दोबारा लोगों ने मुख्यमंत्री चुना। तो उसी की तर्ज पर नीतीश कुमार 3 बार चीफ मिनिस्टर बिहार के हो चुके, शिवराज सिंह चौहान 3 बार हो चुके, तो अखिलेश यादव दोबारा चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकते। मैं तो यूथ से बस इतना ही कहूँगा कि कम आउट इन लार्ज नंबर्स, सपोर्ट समाजवादी पार्टी एंड सपोर्ट अखिलेश यादव टू उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए।